नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव सेन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल, जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बना दें। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट डायमंड फ्रॉम इंडिया, यानी हिंदुस्तान से हीरा डायमंड कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका मार्केट साइज क्या है, इंडिया में मार्केट साइज क्या है, वर्ल्ड में मार्केट साइज क्या है, कितने इंप्लॉय को वो इंप्लॉय करते हैं, मतलब रोजी रोटी देता है, रोजगार देता है हिंदुस्तान में, ईपीसी क्या है, डायमंड का प्रोसेस क्या है, टोटल प्रोसेस क्या होता है, डायमंड का एचएस कोड क्या है, डिमांड कौन कौन सी कंट्रीज में है, और डायमंड का जो मार्केट है वो कितना बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट कहां पर कौन सी कंट्री में है, वैरायटीज क्या क्या आती है, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए अगर हिंदुस्तान से हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं डायमंड का, तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर लेके छोटे से वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहला हमारा पॉइंट है मार्केट साइज। तो देखिए, मार्केट साइज यहां पर अच्छा खासा आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया की अगर टोटल इंडिया मार्केट साइज अगर आप देखेंगे तो टोटल इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है 29.2 बिलियन US डॉलर का। बॉम्बे की मैं बात कर रहा हूं, 29.2 बिलियन US डॉलर, जो कि अच्छा खासा यहां पर देखना जा रहा है। अगर वो उसकी बात करेंगे तो वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है इंडिया की जीडीपी में, तो इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है डायमंड का एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन, दैट इज 7% ऑफ द जीडीपी, आवर इंडियन जीडीपी ग्रोथ। अगर मैं बात करूं टोटल इंडिया के एक्सपोर्ट में कितना डायमंड का कंट्रीब्यूशन है, दैट इज अराउंड 15%, यानी हिंदुस्तान जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड का 1.78%, उसमें 15% डायमंड का शेयर है। अगर डायमंड को हटा देते हैं तो 15% कम हो जाता है इंडिया का एक्सपोर्ट। तो यहां पर डायमंड का जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन एक्सपोर्ट में वो 15% है और जीडीपी में 7% है। अगर मैं बात करूं कि यहां पर डायमंड क्या अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि सूरत में, गुजरात में अगर जाएंगे तो डायमंड का पूरा हब है, छोटी छोटी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री आपको यूनिट्स दिखाई देंगी। तो मोर देन 50 लाख एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय किया हुआ है करंटली डायमंड इंडस्ट्री ने इंडिया में, और दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी ग्रोन लाइक अप टू 83.2 लाख पीपल एम्प्लॉयड बाय 2022, यानी 2022 तक लगभग 83 लाख पीपल को, यानी लगभग अभी आने वाले समय में अगर आप, मैं अंदाजा लगा सकूं जहां तक मैं देख पा रहा हूं, 1 करोड़ लोगों को वो इंप्लॉय करेगा जो डायमंड इंडस्ट्री है इंडिया में, क्योंकि उसका डिमांड अच्छा बढ़ रहा है और उसका इंटरनेशनल मार्केट में भी अच्छा डिमांड बढ़ रहा है। अगर मैं बात करूं इंडिया कितना डिमांड मीट कर रहा है पूरे वर्ल्ड का, तो इंडिया डिमांड मीट कर रहा है अराउंड 75% ऑफ द टोटल वर्ल्ड फिनिश डायमंड की। तो जो भी वर्ल्ड में डायमंड डिमांड हो रहा है उसका 75% हिंदुस्तान से ही जा रहा है। हिंदुस्तान रॉ डायमंड इंपोर्ट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से, और वर्ल्ड में जो कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम इंडिया में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा होता है, तो 75% यहां से डिमांड मीट हो रहा है इंडिया से। अगर ईपीसी की बात करें तो ये जेईपीसी आता है, नहीं जीजेईपीसी, यानी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इससे इसका भी आप आरसीएमसी ले सकते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। अगर मैं बात करूं डायमंड प्रोसेस का, डायमंड का क्या क्या प्रोसेस होता है, उसमें 6 स्टेप प्रोसेस होता है, यानी उसका जो प्रोसेस एक्सप्लोरेशन से फाइनल फिनिश रिटेलिंग तक। तो सबसे पहले आता है एक्सप्लोरेशन, यानी एक्सप्लोरेशन का मतलब है खोज, यानी आप उसको सर्वे बोल सकते हैं, उसको आप रिसर्च बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको कहीं पर पानी का नल लगाना है तो उसके जो सर्वेयर है, सर्वेयर आके देखते हैं कि कहां पर इसका पानी है, मतलब यहां पे पानी कहां पर है, उसके बाद उसकी फिर ड्रिलिंग चालू होती है, खुदाई चालू होती है। तो ऐसे इसमें भी है एक्सप्लोरेशन, सर्वे या फिर रिसर्च सबसे पहला पॉइंट आता है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है माइनिंग प्रोसेस, यानी इवैक्यूएशन, यानी उसको हम कैसे निकाले, उसको ओपन कास्ट हमें माइंस बनाना है या फिर अंडरग्राउंड ड्रिल करके लिफ्ट लगा के वहां पे अंदर जाके वहां से इवैक्यूएशन करना है, तो ये माइनिंग प्रोसेस आता है। थर्ड स्टेप आता है सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, डायमंड आपका कितना बड़ा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, किस टाइप का है, सॉर्टिंग आता है, सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग आपका आता है थर्ड नंबर स्टेप में। अगर फोर्थ नंबर स्टेप की आती है, फोर्थ नंबर स्टेप आता है कटिंग एंड पॉलिशिंग, जो कि हिंदुस्तान में उसका हब माना जाता है। सूरत में सबसे बड़ा वर्ल्ड का मार्केट है, सबसे बड़ी यूनिट्स हैं जो कि कटिंग एंड पॉलिशिंग का काम होता है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में। अगर मैं बात करूं फिफ्थ स्टेप की, तो फिफ्थ स्टेप आ जाता है यहां पर ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग, ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग जो कि हिंदुस्तान में भी काम आता है और अलग अलग कंट्रीज में भी उसका काम होता है। अगर मैं बात करूं लास्ट स्टेप की, दैट इज सिक्स स्टेप इज द रिटेलिंग, रिटेलिंग मतलब उसको आपको सेल करना है, तो सेल करने भी का भी यहां इंडिया से भी काम होता है और अलग अलग कंट्री प्रोडक्ट को लेकर हमसे एक्सपोर्ट, हमसे इंपोर्ट करके वो फिर रिटेल भी कर रही है। अगर मैं बात करूं एचएस कोड की, तो ये 71 नंबर चैप्टर में आता है, इजिली आपको गूगल से मिल जाएगा। तो 71 यानी 710239
10 इजिली आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं, आपको इजिली मिल जाएगा। अगर डिमांड की बात करूं वर्ल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में कौन कौन सी कंट्री में इसका अच्छा डिमांड है जो कि इंडिया से भी अच्छा खासा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले पायदान पे आता है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इंपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड का 19.2%, दैट इज अराउंड 20.8 बिलियन US डॉलर। बिलियन की बात कर रहा हूं मैं, 20.8 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट करता है अगला यूएसए ही। हांगकांग की बात करें तो हांगकांग यहां पे इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 17.7 बिलियन US डॉलर, दैट इज अराउंड 16.9% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर बेल्जियम की बात करूं तो ये यूरोपियन मार्केट की बात हो रही है, बेल्जियम की अगर बात करूं तो बेल्जियम 10.6 बिलियन US डॉलर का इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज अराउंड 10.1% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर चाइना की बात करूं जो कि हमारे पास की कंट्री, चाइना की अगर बात करूं, चाइना भी इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है और चाइना टोटल इंपोर्ट कितना कर रहा है, 7.8 बिलियन US डॉलर, दैट इज अराउंड 7.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर यूएई की बात करूं, दुबई यानी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कितना इंपोर्ट कर रहा है, अराउंड 6.8 बिलियन US डॉलर, दैट इज अराउंड 6.4% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 4.7 बिलियन US डॉलर का, दैट इज अराउंड 4.5% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर स्विट्जरलैंड की बात करूं जहां हनीमून मनाने भी बहुत इंडियन जाते हैं, मैं भी हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड गया था, तो स्विट्जरलैंड यहां पर इंपोर्ट कर रहा है अराउंड 2.4 बिलियन US डॉलर। अगर आप उसको बाय परसेंटेज में देखें तो अराउंड 2.3% ऑफ द टोटल वर्ल्ड शेयर। अगर मैं डिमांड डायमंड मार्केट की बात करूं, यानी वर्ल्ड में सबसे बड़ा मार्केट डायमंड का कहां है, तो वो इंडिया में है। यस, आप फ्रेंड सही सुन रहे, वो इंडिया में, हिंदुस्तान में है, मुंबई में, आपके अपने हमारे अपने देश में है, दैट इज इन मुंबई। तो मुंबई में उसको किस नाम से जाना जाता है, वो BDB, आप गूगल पे सर्च कीजिए, BDB यानी भारत डायमंड ब्रोस। ब्रोस का मतलब होता है एक्सचेंज, जैसे पावर एक्सचेंज होता है, मनी एक्सचेंज होता है, तो ऐसे ही भारत डायमंड एक्सचेंज BDB उसको बोला जाता है, दैट इज मुंबई। और बहुत बड़े एरिया में बनाया हुआ है, कितने बड़े एरिया में बनाया हुआ है, अराउंड 20 एकड़ में बड़े बड़े मॉल्स बनाए हुए, दुकानें बनाई हुई, जैसे आपने अगर दिल्ली में देखा होगा पालिका बाजार है तो मोर देन 500 1000 वहां पे शॉप्स है, तो ऐसे इसमें भी शॉप्स बनाई हुई हैं, तो मोर देन 2500 ट्रेडर्स वहां पर बैठते हैं, उनका ट्रेडर्स का दुकान है, शॉप है, स्टॉल है, वहां से आप परचेज भी कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में जा भी सकते हैं फ्रेंड्स। अगर वैरायटीज़ की बात करें, नेक्स्ट मिनट अगर ले लेते हैं वैरायटीज़ क्या क्या रहती हैं, तो वैरायटीज़ उसका 4C के ऊपर डिपेंड रहता है, यानी 4C वैरायटीज़ की क्या है, कट, कलर, क्लियरिटी एंड कैरेट। जैसे हम गोल्ड भी लेते हैं तो गोल्ड में हम देखते हैं कितने कैरेट का है, तो यहाँ पे आपने को देखना होगा कैरेट क्या है, कितने कैरेट का है, क्लियरिटी क्या है, कलर क्या है और उसका कटिंग क्या है। तो बेस्ड ऑन अगर बायर की डिमांड, जैसे मतलब अगर नॉर्मल बायर, तो टेक्निकल वेराइटीज होगी इसमें, अगर हम जैसे मैं एक नॉर्मल बायर हूँ तो मुझे उतना ज़्यादा डायमंड के बारे में डिटेल में आइडिया नहीं होगा, तो मैं उसको बायर के हिसाब से कैसे देखते हैं, तो बायर के हिसाब से देखते हैं नेचुरल डायमंड, यानी जिसको वाइट रेगुलर डायमंड बोलते हैं, लैब ग्रोन यानी लैब में जो ग्रोन किया हुआ डायमंड रहता है, वो थोड़ा सस्ता भी होता है, लगभग 75% इससे सस्ता होता है। तो टेक्निकल जो टेक्नोलॉजी की हेल्प से जो डायमंड को बनाया जाता है वो चीप होता है, सस्ता होता है और उसको लोग ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं अभी एज कंपेयर टू द नेचुरल डायमंड। अगर ट्रीटेड नंबर 3 की बात करें तो ट्रीटेड डायमंड आता है, तो ट्रीटेड डायमंड भी अच्छा खासा यहां पर परफॉर्म कर रहा है और लोग उसको भी पसंद कर रहे हैं ट्रीटेड डायमंड को। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं डॉक्यूमेंटेशन की, यानी किस किस डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत होगी अगर हम डायमंड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया से, तो जो नॉर्मली आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं, जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं, आईसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हो गया, जीएसटी हो गया, आरसीएमसी हो गया, तो आपको यहां पे जीजेईपी यानी जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का आपको यहां पे आरसीएमसी लेना होगा, उनका आरसीएमसी ले लीजिए, एडी कोड रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अपना पैकेजिंग लिस्ट बनाइए, एयरवे बिल, और ये आपको एक अच्छी बात यहां बतानी पड़ेगी क्योंकि ये कॉस्टली आइटम होता है, महंगा होता है और हम इसको लॉस मतलब ऐसे करके सी से नहीं भेजते, हमेशा इसके एयर से भेजा जाता है, तो आपको यहाँ पे एयर वे बिल लग जाता है, यानी बिल ऑफ लेडिंग की जगह आपको यहाँ पे एयर वे बिल लग जाता है, हमेशा आप इसको ध्यान रखिए एयर से ही भेजा जाता है। अगर हम बात करें सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की,
तो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको लग जाता है यहाँ पर, यानी कौन सी कंट्री में जो आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन देते हैं। अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हमने एक वीडियो बनाया हो, अगर आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पर जाकर आप उसको भी देख सकते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपको सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी दे देगा। और इसके बाद आपको आता है क्वालिटी सर्टिफिकेट। देखिए हीरा मतलब एक पत्थर ही है, लेकिन उसका क्या क्वालिटी है, क्या उसका स्पेसिफिकेशन है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, वो आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूर लगेगा। किस टाइप का है, उसका इतना प्राइस क्यों रखा गया, उसका क्या लैब का टेस्टिंग है, क्या उसका क्वालिटी सर्टिफिकेट है, या फिर उसके अलावा और भी कोई अगर क्वालिटी सर्टिफिकेट मांगता है आपका डायमंड आपका बायर, तो वो आपको देना रहेगा। फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद है तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि डायमंड के बिजनेस में आना चाहते हैं या फिर वो इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहता है, और हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स टू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।